अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नुमान मुनीर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं बाहर कॉलेज कसूर से बाहर। रिसेंट के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। ये तूर साहब है जिसने अभी अभी ऑपरेशन चश्मा पहन भाई डॉक्टर ने मना किया है। अभी हम गेट से बाहर जाने वाले हैं। दिल धक धक कर रहा है कि नोट अलाउड वहाँ पे अगर लिखा हो तो उसी तरह और चश्मा में पहन लेता हूँ। मिलते हैं बाद में थोड़ा सा इसको कट कर। फाइनली भाई वी कम आउट फ्रॉम आवर ब्यूटीफुल कॉलेज। ये हमारे साथ दोस्त है, वो उसका दोस्त है और वो उसका दोस्त है। चश्मा पहना हुआ, अभी अभी ऑपरेशन हुआ है इसका। और ये सिंध का बहुत महंगा है, मार्केटिंग चल रही है इसकी। इसको बेचने जा रहे हैं ललियाली टूल ब्रदर्स। मार्केटिंग यार, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। और ये है मेरा पास आज़ाद, सही है, ये भी सिंध से। ये माशाल्लाह इसके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं। इसकी मार्केट बेहतरीन है भाई। इसको हीरा मिला, हीरा। इसका मोबाइल तकरीबन एक दिन हो गया इसका आया हुआ है, सही है। इसने भेजा था उधर वापस अपने गांव। चार जी पे पड़ी है। तो पता है मोबाइल वाले ने क्या किया, इसके सिम वाले जगह चेंज कर दी। अभी सिम डालता है सिग्नल ही नहीं है। सर पार्कर का रहने वाला एक वाहिद शख हकूमत कॉलेज में पढ़ रहा है। और ये भाई भाई अपना नाम तो बताओ। नाम काफ़ी है, नाम काफ़ी है जान। बहुत अच्छा लगा आपसे। हाँ वैसे भाई, फाइनली हम लोग नहर के पास पहुंच गए। नहर बहुत तेज़ी से बहता है, पता नहीं किधर जाता है। ये मेरे पास है जैन तूर। जैन तूर यार कुछ पंजाबी शंजाबी बोल यार। क्या पंजाबी? कुछ भी बोल दे। गल्ला दो ही होनी है। गल्ला दो ही होनी है भाई। पहला गल्ला बोल। पहली गल ये है, पहली गल ये है कि दोस्त नस्ली रखो। दोस्त दसली क्या? दोस्त नस्ली। नस्ली नहीं, नस्ली नस्ली नस्ली। दूसरी बात, दूसरी गल, हथियार भी नस्ली रखो। हथियार कैसे नस्ली रखे? मतलब प्योर असल माल हो। क्या कहता है? हम लोगों ने यहाँ पहुँचना था ललियानी बाजार। ये है ललियानी बाजार। उन्हें खरीदनी थी वाटर बॉटल्स, तो हम लोगों ने रुख किया इस दुकान की जानेब। इस दुकान में ये बच्चा जो नजर आ रहा है, इस बच्चे से मैंने पूछा कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। उसने जो जवाब दिया वो सुन के ना आंखों में आंसू आ गए। चलो वो मैं फिर बता देता हूँ आपको। आर यू रेडी? तो सुनो, मैं बैकग्राउंड साउंड लगा। मुझे तो सुन के बहुत मतलब दुख हुआ। सबसे पहले मैंने बच्चे से पूछा कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, तो बच्चे ने जवाब दिया 3 क्लास में पढ़ता था। तो मैंने कहा अभी? उसने कहा मैंने स्कूल छोड़ दिया। मैंने समझा कोई फीस वगैरह का मसला होगा। मैंने कहा सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लो। तो बच्चे ने कहा मैंने सरकारी स्कूल छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों? उसने कहा घर के मसले मसाइल की वजह से। फिर मैं सोचने लगा घर के कैसे मसले मसाइल होंगे जिसकी वजह से बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया। तो बाद में पता चला कि यानी पैसों की तंगी हो गई थी, ये बच्चा अभी काम करने आया है। इस तरह के लाखों बल्कि करोड़ों बच्चे इसी तरह चाइल्ड लेबर्स के शिकार हैं। तो इस्लाम में ये है कि आप जब भी देखो तो अपने नीचे वालों को देखो। मगर उस टाइम मुझे दिल कसम से इतना दुख हुआ कि छोटा सा बच्चा। फिर मैंने सोचा यार इन जैसे बच्चों को पढ़ाना है, इन जैसे बच्चों को पढ़ाना है। साथ साथ अगर कोई काम भी करता है तो वो तो मजबूरी के तहत करता है, मगर पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हर बच्चे को तालीम फराहम की जाए।